आज फिर से पढ़ने वाले हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मेथड। पर ये मेथड का नाम क्या है हमारा, हमारा ये मेथड में क्या ए बी सी डी मेथड कहते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर वन से समझते हैं। ये बहुत ईजी टॉपिक है पर कितने लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं, हार्ड है। चलिए हम लोग सब मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर हम लोग मान लीजिए क्या कहते हैं, पोटासियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल सी एल गिव्स व्हाट, के सी एल प्लस हाइड्रोजन एच टू। हम मान लीजिए इधर क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ऑफकोर्स ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो मान लीजिए के इधर भी है, के इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। ये मेथड हमने क्या कहा था, ए बी सी डी मेथड। तो मान लीजिए चलिए के क्या है, हमारा पोटासियम का सिंबल है। मान लीजिए के इधर ए है, इधर टू इधर क्या है सी, ओके बराबर है। मान लीजिए हमारा एच, एच मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर क्या है बी, इधर क्या है बी, राइट हैंड साइड में क्या है टू डी। इधर देखिए हाइड्रोजन का क्या है, इधर एटम नंबर टू है तो टू डी। अब क्या है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के इधर क्या है सी है, इधर क्या है बी है, इक्वल टू सी, ओके बराबर है। अब चलिए देखते हैं, मान लीजिए इधर हम लोग ए बी सी डी में से कोई भी लेटर के हम लोग वन लेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें से कौन सा करा जाए कि ईजी होगा, मान लीजिए मैं डी को लेट करता हूँ, लेट डी इक्वल टू वन देन बी इक्वल टू टू, बी इक्वल टू टू, इधर सी इक्वल टू बी है, इधर भी सी इक्वल टू टू हो गया, इधर ए इक्वल टू सी है, इधर भी ए इक्वल टू टू हो गया। अब मान लीजिए हमें देखना है ए का वैल्यू क्या आया टू, ए का वैल्यू क्या आया टू, इधर क्या हो गया हमारा टू के मीन्स टू पोटासियम हो गया, इधर बी का वैल्यू क्या है टू, इधर भी क्या लिखेंगे हम लोग टू, तो सी का वैल्यू देखिए सी का वैल्यू टू के इधर क्या हम लोग लिखेंगे टू, और इधर डी का वैल्यू हमने क्या लिया था वन, इधर हो गया वन, ये बैलेंस हो गया। ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी भी ये देखना है, मान लो हमें देखना है मान लीजिए इधर भी पोटासियम है, पोटासियम है तो हमने ए लेट किया था, इसमें सी लेट किया था, तो देखना है ए का दूसरी। मान लीजिए एक लीटर को हम लोगों ने ये क्या करना है, मान लीजिए वन लेट करके सॉल्व करना, बहुत ईजी है। ऐसा बैलेंस कभी भी हो सकता है, कोई भी कैसा भी हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू से आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी बैलेंस हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टू आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू क्या है हमारा, के सी एल ओ थ्री व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स के सी एल प्लस ओ टू। के पहले हमने कहा था क्या, पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन, पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन, मान लीजिए इधर हम लोग क्या लिख गया ए, इधर क्या हो गया बी, इधर हो गया सी, बराबर है। अब क्या करते हैं, पोटासियम इधर भी है, पोटासियम इधर भी, पोटासियम इधर भी है, इधर क्या है ए, इधर क्या है बी, ओके बराबर है। अब क्लोरीन में चलते हैं, क्लोरीन इधर क्या है, क्लोरीन इधर क्या है ए, इधर क्या है बी, बराबर ए जो बी। अब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन क्या है थ्री है, इधर देखिए थ्री, इसका क्या नंबर है थ्री थ्री, इधर क्या हो गया थ्री ए इजल टू टू सी, इधर क्या है टू। मान लीजिए हम किसी को भी, हमने कहा था किसी भी लीटर को हम लोग वन लीटर करते हैं। मान लीजिए मैंने कौन सा है, आप लोग बताइए कौन सा ईजी। मान लीजिए मैं सी को लेट करता हूँ, लेट सी इजल टू वन, तो थ्री ए इजल टू टू, ओके बराबर है। तो ए इजल टू टू अपॉन थ्री, हमने क्या लेट किया है सी, सी का वैल्यू हमने क्या लेट किया है वन, तो टू अपॉन थ्री आ गया। अब ए इजल टू बी एंड बी इजल टू टू बाई थ्री, ए इजल टू बी इट इज ऑल्सो टू अपॉन थ्री। तब देखिए हम लोग ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या आया टू अपॉन थ्री, इधर क्या हो गया टू अपॉन थ्री। बी का वैल्यू क्या है हमारा टू अपॉन थ्री, इधर हम लोग लिखे गए टू अपॉन थ्री। सी का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू हमने वन लेट किया था, इधर होगा वन। ऐसा कभी भी फ्रैक्शन में अगर बैलेंस ये मेथड करते हुए आया तो सिंपल है, क्या करना है, मान लीजिए दो नंबर में आया फ्रैक्शन में
हमें क्या करना है, नीचे के नंबर को एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 3। जो जो एलसीएम आएगा चाहे 3 हो जाए 4 2, ये नहीं देखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। अब हमारा एलसीएम क्या है, 3। डायरेक्टली हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई 3। और अगर ये खाली एक ले आता, ये सिंगल आता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नीचे से कर देते। बढ़िया, 2 हो तो एलसीएम ले ली, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहा। तो चलिए इधर मान लीजिए हमने 3 से क्या मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 2/3 × 3 कट गया, बचा क्या 2, तो इधर सब मिल 3 कट जाएगा, इजी है। अब क्या कर लें, 2KClO3 when it is heated gives 2KCl + 3 × 1 3O2। ओके, बराबर है, हो गया, सिंपल है। फ्रैक्शन में कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, फ्रैक्शन में हमारे जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 सब लोग इजी तरीके से समझ जाएंगे, हार्ड है पर बनाएंगे तो इजी है, कोई भी तो बनाते हैं तभी नहीं होता। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या है, C2H6+O2 gives CO2+H2O। ओके, बराबर है, मान लीजिए इधर हमने क्या ले लिया, ए इधर क्या हो गया, बी इधर हो गया, क्या सी इधर हो गया, 2। अब क्या लेना है, सी सी हमारा क्या है, इधर 2A इसका, इधर क्या है, सी सी है, ऐसे लग रहा है। इधर क्या है हमारा हाइड्रोजन, मीन्स इधर इधर क्या है, 6A, इधर देखिए 6, तो ये क्या आ गया 6A। इधर हाइड्रोजन क्या है, 2D, बराबर है। ऐसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन वो देख लीजिए, इधर क्या है, 2B, बराबर है। पर इधर देख लीजिए, इधर वीडियो में ट्विस्ट क्या है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बराबर समझ लीजिए, क्वेश्चन इजी देखिए, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तब जोड़ लीजिए, इधर देखिए 2C, इधर एक है, तो एक लेकर जाएगा, तो प्लस कर दीजिए, इधर क्या है, प्लस कभी भी प्लस ही होता है, ऐसे मान लीजिए डी हो गया। मान लीजिए हम एक नंबर को लेट करते हैं, मान लीजिए क्या करें, मान लीजिए हमने ए को लेट कर दिया, लेट A=1 C=2, हमने क्या कर लिखा है, ए कर 1 लेट किया, तो 6 × 2D, 6/2D, D=3, डी का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब 2B, 2C + 2, हमने मान लिया 2B लिख दिया, 2C, C का वैल्यू क्या आया हमारा, 2, तो क्या हो गया था, 4, और D का वैल्यू क्या आया है, 3, तो 2B = 7, B = 7/2, क्या है, B का वैल्यू 7/2। फ्रैक्शन मैंने क्या बोला था, एक फ्रैक्शन में है तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो होगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई, हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन लोगों का आंसर बराबर आ जाएगा। तो चलिए ये इरेज करते हैं, हो गया, समझ आ गया ना, ठीक है, अच्छा समझ ही आ गया हमें। मान लीजिए इधर ए का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ए का वैल्यू हमने किया था 1, इधर क्या आ गया 1, बी का वैल्यू क्या हमारा आया 7/2, ओके बराबर है। सी का वैल्यू क्या आया था हमारा, 2, डी का वैल्यू क्या आया है हमारा, 3। अब क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वीडियो में कहा था 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 2C2 हो गया, H6 गिव्स व्हाट, 7O2 गिव्स 4CO2 + 6H2O। फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, एक फ्रैक्शन में आया जो कभी भी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, × 2, मान लीजिए 7/2 × 3 करेंगे तो कट जाएगा, आपको 7 बनेगा। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं जी जो फ्रैक्शन में जिसे मल्टीप्लाई करा सबको मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई हुआ, इसे मल्टीप्लाई हुआ, इसे मल्टीप्लाई हुआ, इसे मल्टीप्लाई हो गया, समझ आ गया। हमारा पहले क्या है, ये
और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है जो हम लोग अगले क्लास में बताएंगे आपको। तब तब के लिए बाय बाय।